अभ्यस्त आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। आपकी पीठ, गर्दन एवं कमर सीधी रहे। आंखें बंद हों तथा शरीर का कोई भी अंग हिले डुले नहीं। अब मैं तारतम की 6 चौपाइयों का 2 बार इस प्रकार मौन होकर जप कर रही हूँ कि मेरी जीवा तथा होठ भी स्थिर अवस्था में ही विद्यमान रहे। साथ ही साथ मैं घुमट जी मंदिर में विराजमान श्री महामति जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप का भाव लेते हुए ध्यान कर रही हूँ, अथवा अपने सद्गुरु महाराज के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप की भावना के साथ उनका ध्यान कर रही हूँ।
श्री राज्य का जोश दिव्य प्रकाशमयी आभा के साथ प्रकट हो जाता है, अथवा सद्गुरु महाराज का दिव्य स्वरूप प्रकट हो जाता है। मैंने सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया, अब मेरी आत्मिक दृष्टि उस स्वरूप के संग अपनी परात्म की भावना के साथ परम धाम की ओर चल रही है। अब मैं अष्टावरण से युक्त इस 14 लोकों के ब्रह्मांड को पार कर अहंकार महातत्व के घने अंधकार को पार करते हुए प्रकृति के सूक्ष्मतम रूप मोह सागर में प्रवेश कर रही हूँ। चारों ओर घनघोर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। इसी के बीच प्राणों की ज्योति के रूप में आदि नारायण का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। अब मैं धाम धने की कृपा के सहारे इस भयानक अंधकार से बाहर निकलकर योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही हूँ। यहाँ करोड़ों सूर्यों का शीतल शांत प्रकाश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्रणव ब्रह्म का जगमगाता हुआ अखंड स्वरूप भी दृष्टिगोचर हो रहा है। आगे सुमंगला पुरुष तथा चिदानंद लहरी पुरुष अपने धाम में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अखंड व्रज एवं रास की मनोहारी लीलाओं का रसपान करते हुए मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। आगे सबलिक केवल एवं सत्स्वरूप ब्रह्म अपनी आनंद शक्तियों के साथ बैठे हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस बेहद मंडल के कणकण में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश जगमगा रहा है। अंत में इस सत्स्वरूप मंडल को पार कर मैं परम धाम में प्रवेश कर रही हूँ। यहाँ का प्रत्येक कण अनंत तेजोमयी प्रेम आनंद सुगंध एवं चैतन्यता से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर कण में मेरे आराध्य मेरे सर्वस्व मेरे प्राणवल्लभ अक्षरातीत ही क्रीड़ा कर रहे हैं। यहाँ के नूरमयी वनों की शोभा को देखते हुए मैं बड़े रंग की हवेलियों के मध्य से गुजर रही हूँ। आगे सर्वरस सागर के किनारे किनारे चलते हुए टापू मालों की शोभा को देखते हुए मैं पुनः बड़े रंग की हवेलियों तथा छोटे रंग की हवेलियों के मध्य में चल रही हूँ। रौस के किनारे चलते चलते मैं वन की नहरों माणिक पहाड़ के फिरावे जवाहरातों के महलों तथा महाबन मतबन एवं बड़े बन की शोभा को देखती हुई केल पुल तक पहुंच गई। अति मनोहर हिंडोलों से सुशोभित पांच भूमिकाओं एवं छठी चांदनी वाले केल पुल को पार कर मैं बाई ओर मुड़ी तथा अब यमुना जी की पाल के ऊपर चल रही हूँ। यहां से यमुना जी का अलौकिक दृश्य दिखाई दे रहा है। यमुना जी का जल दूध से भी करोड़ों गुना अधिक उज्ज्वल है।
सुगंधि से भरपूर है और 10 धाराओं में लहराता हुआ प्रवाहित हो रहा है। यमुना जी के दोनों तटों पर केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी तथा वट के घाट सुशोभित हो रहे हैं। पाल पर आई हुई वृक्षों की डालियां यमुना जी के ऊपर झूलती हुई दिखाई दे रही हैं। शीतल, मंद तथा सुगंधित हवा के झोंके अत्यधिक आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। यमुना जी की पाल पर चलते चलते अब मैं पाट घाट आ गई हूं। जमीन की सतह से ऊपर तक यह दो भूमिका एवं तीसरी चांदनी का है। मैंने पाट घाट से यमुना जी के जल में छलांग लगाकर स्नान करना प्रारंभ किया। मेरा संपूर्ण शरीर सौंदर्य के रास के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। अब मैं जल रौंस पर बनी हुई देहरियों में अपनी परात्म जैसा श्रृंगार कर रही हूं। सभी नूरमयी वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित होकर मेरा श्रृंगार श्यामा जी के समान ही प्रतीत हो रहा है। जलरौंस से यमुना जी की पाल पर आकर मैं वन रौंस आती हूँ तथा वहां से अमृत वन के मध्य रौंस से होती हुई चांदनी चौक पहुंच जाती हूँ। मेरे अंग अंग में अपनी प्राणेश्वर अक्षरातीत के दर्शन की अपार उमंग भरी हुई है। हर पल मुझे ऐसा लग रहा है कि धाम धनी तो बस मेरे सामने ही है। चांदनी चौक का प्रत्येक कण करोड़ों सूर्यों की तेज एवं अरबों चंद्रमा की शीतल आभा को अपने अंदर आत्मसात किए हुए है। चांदनी चौक के दाईं ओर लाल रंग का आम का वृक्ष तथा बाईं ओर हरे रंग का अशोक का वृक्ष शोभायमान हो रहा है। दोनों वृक्षों की दो भूमिकाएं एवं तीसरी चांदनी आई है। सामने की ओर 9 भूमिकाओं एवं 10वीं चांदनी वाला रंगमहल अपनी अनुपम शोभा से जगमगा रहा है। अब मैं 100 सीढ़ियों के ऊपर चल रही हूं। प्रत्येक सीढ़ी पर अलग अलग रंगों के अति सुंदर गलीचे बिछे हुए हैं। अब मैं मुख्य द्वार पर पहुंची जो 2 भूमिका की ऊंचाई तक आया है। मुख्य द्वार के दोनों ओर दीवार से लगते हुए 2 चबूतरे आए। दरवाजे की देहली यानी चौकट सिंदूर के समान लाल रंग की आई है।
उसके दोनों पल्ले श्वेत दर्पण के समान जगमगा रहे हैं। पल्लों के किनारे हरे रंग के हैं। मुख्य द्वार से जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया तो सामने 28 स्तंभों के चौक की मनोरम शोभा दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ने पर सामने की ओर 4 चौरस हवेलियां दिखाई पड़ती हैं। इनमें प्रथम हवेली में सामने की ओर 20 स्तंभों का एक बरामदा आया है, जिसे पार करने पर सामने की ओर एक चबूतरा दिखाई पड़ता है। इसके ऊपर तथा नीचे स्तंभों की एक एक हार चारों ओर घेर कर आई है। चबूतरे पर अति सुंदर गिलम बिछी हुई है। चबूतरे से नीचे उतरकर अब मैं हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकल रही हूँ। अब मेरे आगे जो अन्य 3 हवेलियां दिखाई दे रही हैं, उनकी शोभा पूर्व की हवेली जैसी ही है, किंतु थोड़ा सा अंतर यह है कि पहली हवेली की तरह इनमें पूर्व दिशा में 20 स्तंभों का बरामदा नहीं आया है, अपित मंदिर आए हैं। मैं हवेलियों के मुख्य द्वार से गुजरती हुई तीनों हवेलियों को पार कर रही हूँ। अपने प्राणेश्वर के दर्शन के लिए मेरे अंग अंग से प्रेम फूट रहा है। मेरे सामने अब 5वीं हवेली दिखाई दे रही है, जिसकी आकृति गोल है। इस हवेली में मंदिरों की एक गोल हार आई है, जिसके अंदर और बाहर की ओर स्तंभों की एक एक हार आई है। हवेली के मध्य में एक गोल चबूतरा है, जिसके ऊपर भी स्तंभों की गोल हार आई है। अब मैं मुख्य द्वार से होकर स्तंभों और गलियों को पार करते हुए गोल आकार वाले कमर पर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गई हूँ। चबूतरे पर लाल रंग की अति सुंदर एवं कोमल पश्चिमी गिलम बिछे हुई है। चबूतरे के मध्य में कमल के फूल की शोभा आई है, जिस पर कंचन रंग का सिंहासन जगमगा रहा है। इस सिंहासन पर युगल स्वरूप बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। मैं उनकी तरफ आगे बढ़ती जा रही हूँ। पश्चिमी गिलम इतनी कोमल है कि चलते समय उसमें मेरे पांव धंसे जा रहे हैं। अब मैं सिंहासन के बिल्कुल पास पहुंच गई हूँ। सर्वप्रथम मेरी दृष्टि सिंहासन के दाईं ओर बैठे हुए श्रीराज जी की ओर पड़ रही है। मैं अपने प्राणेश्वर के नेत्रों की ओर अपलक नेत्रों से देखे जा रही हूँ। मनमोहक नासिका, मुस्कुराती हुई मुख, ठुड्डी, लालिमा से भरपूर गालों तथा घुघराले बालों की शोभा को मैं लगातार निहारे जा रही हूँ।
अब मेरी दृष्टि श्रीराज जी के उस बाएं चरण कमल की ओर पड़ रही है जो नूर की चौकी पर रखा हुआ है। मैं घुटनों के बल बैठकर उस चरण कमल को जैसे ही अपने हाथों में लेती हूँ, धामधनी अपने दाहिने चरण कमल को भी मेरे हाथों में रख देते हैं। अब मैं दोनों चरण कमलों को अपने हाथों में लेकर उन्हें निहार रही हूं। अब मेरी दृष्टि सिंहासन की बाईं ओर बैठी हुई श्यामा जी के मुखारविंद की ओर पड़ रही है। मैं भाव विह्वल होकर श्यामा जी के नेत्रों, गालों तथा मुस्कुराते हुए मुख में दिखाई देने वाले मनोहर दांतों की शोभा को देखे जा रही हूँ।
मेरी दृष्टि नूर की चौकी पर रखे हुए दोनों चरण कमलों पर पड़ रही है। मैंने दोनों चरण कमल अपने हाथों में लेकर उन्हें निहारना प्रारंभ किया। ये चरण कमल कितने सुंदर और कोमल हैं, मेरी आत्मा के आधार है। मैं दोनों चरणों के अंगूठों, अंगुलियों, पंजों तथा लालिमा से भरपूर एणियों की शोभा को देख देख कर मुग्ध हुई जा रही हूँ। युगल स्वरूप की मुखारविंद की लालिमा से संपूर्ण सिंहासन ही लाल रंग का दिखाई दे रहा है। छह पायों तथा छह डांडों से युक्त यह सिंहासन है। एक एक डांडे में दस दस प्रकार के जवाहरात जगमगा रहे हैं। छह डांडों पर छह कलश आए हैं। दो कलश क्षत्रियों के गुम्मट के ऊपर हैं। इस प्रकार कुल आठ कलश दिखाई दे रहे हैं। श्री राज्य का मुखारविंद अत्यधिक गौर तथा लालिमा से भरपूर है और किशोरावस्था का है। उनके दोनों नेत्रों में प्रेम का अनंत सागर उमड़ रहा है। नुकीले नेत्रों की पलकें तथा उनके आई हुई भौहें बहुत ही सुंदर लग रही हैं। सिर पर सिंदूरिया रंग की पाग है, जिसमें तरह तरह के नगों से अनेक प्रकार के फूलों, लताओं तथा कांगरे की शोभा आई है। सारंगी की आकृति वाली पाग की दुगदुगी में हीरा, माणिक, पुखराज तथा नीलम आदि जड़े हुए हैं। इत्र से भीगे
घुघराले बालों की लटें कानों तक आई हुई हैं। माथे पर लाल रंग का सुंदर तिलक दिखाई दे रहा है। नासिका अत्यंत गौर वर्ण की है। उसमें बेसर की मनमोहक छवि आई हुई है। दोनों होठ बहुत ही कोमल, पतले तथा लालिमा से भरपूर दिखाई दे रहे हैं। प्रीतम के गोरे मुख पर गहरी गुलाबी आभा झलकार कर रही है। यह सौंदर्य का अनंत सागर नजर आ रहा है। कानों में सुंदर कर्णफूल जगमगा रहे हैं। इनमें माणिक, हीरा, मोती तथा नीलम के नग जड़े हुए हैं। श्रीराज जी का बागा अत्यंत श्वेत रंग का है। वह उनके अंगों से लिपटा हुआ है। जामे के ऊपर आसमानी रंग की बहुत ही पतली चादर लिपटी हुई है। उनके हृदय कमल पर हीरा, माणिक, मोती, नीलम तथा लहसुनिया के हार जगमगा रहे हैं। ये सभी हार एक समान रूप से सुंदर शोभा को धारण किए हुए हैं। इन हारों में 9 रत्नों से जड़ी हुई दुगदुगी की अनुपम शोभा आई हुई है। गले से लिपटकर वक्षस्थल तक आई हुई ये हार बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं। अति सुंदर दोनों भुजाओं में अनेक प्रकार के नगों से जड़ित बाजूबंद आए हैं, जिनमें फूंदन लटक रहे हैं। दोनों कलाइयों में पहुंचे की शोभा है। प्रत्येक पहुंचे में 7-7 पटलियां आई हैं, जिनमें 7 प्रकार के नगों की शोभा है। कड़े तथा कड़ी की भी अनुपम शोभा हो रही है। दोनों हाथों की अति कोमल और पतली अंगुलियों में माणिक, मोती, नीलम, पाच, पन्ना, पुखराज, लहसुनिया तथा हीरे की 8 मुद्रिकाएं हैं। इसी प्रकार दोनों अंगूठों में भी नगों की अंगूठियां आई हैं। नखों में इतना नूर है कि लगता है उसके सामने करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं।
दोनों हथेलियां फूल की पंखड़ी से भी करोड़ों गुना अधिक कोमल है, मोहक और लालिमा से भरपूर है। दोनों हथेलियों की पतली पतली मनोहर रेखाएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। धाम धनी की कमर में जामे के ऊपर हल्के हरे रंग का पटुका आया है, जो तरह तरह की चित्रकारी से युक्त है। इसमें अनुपम शोभा वाले नग जड़े हुए हैं। इजार का रंग गहरा केसरिया है, जिसका मोहक रंग जामे के घेरे में दिखाई देता है। जामे के श्वेत तथा इजार की केसरिया रंग के मिलने से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। दोनों चरण कमलों की तलियां बहुत ही सुंदर है। चरणों की अंगुलियों में आए हुए नख हीरे के समान जगमगा रहे हैं। इनसे उठने वाली लहरें आकाश में छाई रहती हैं। दोनों चरणों के पंजे बहुत ही सुंदर हैं। टखने, घूंटी तथा कड़ी भी बहुत ही मनोहर एवं कोमल हैं। एड़ियों की लौंग तथा पिंडलियों को पकड़कर मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। दोनों चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी तथा कड़ी की अलौकिक शोभा आई है। घुंघरियों में बहुत ही मोहक ध्वनि निकल रही है। कड़ी में खजूर की पत्तियों तथा अनेक प्रकार की लताओं के मनोहर चित्र हैं। मैं प्रीतम के दोनों चरणों की शोभा को निरंतर देखे ही जा रही हूं। अब मैं अपनी दाई ओर तथा श्रीराज जी के बाई ओर विराजमान श्यामा जी के मुस्कुराते हुए किशोर वय वाले मुख की मनोहर छवि को देख रही हूँ। उनके लाल होठों, दांतों तथा गालों की शोभा को देख देख कर मैं मुग्ध हुई जा रही हूँ। श्यामा जी के सिर पर सिंदूरिया रंग की लाल साड़ी का पल्ला आया है, जिसमें अनंत शोभा वाले अनेक प्रकार के नग जड़े हुए हैं। उनके गोरे माथे पर काले काले बालों की मनोहर लटों की छलछलाहट आकाश में फैल रही है। उनके प्रेम भरे चंचल नेत्रों की शोभा अनुपम है। काली काली तिरछी भौहें मेरी आत्मा को आनंद के सागर में डुबोई जा रही है।
मैं श्यामा जी के दोनों कानों में आई पानड़े की अद्भुत शोभा को एकटक देखे जा रही हूं। उनमें आई हुए दोनों झालों में सात रंगों के नगों की अलौकिक छवि दृष्टिगोचर हो रही है। ये दोनों झाल श्यामा जी के दोनों कानों पर प्रतिबिंबित होकर अवर्णनीय दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। श्यामा जी की नासिका बहुत ही सुंदर एवं कोमल दिखाई दे रही है। नासिका में आई हुई मुरली की छवि भी अद्वितीय है। श्यामा जी के सिर पर जो राखड़ी आई है उसकी नूरी ज्योत इतनी अधिक है कि सर्वत्र ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही है। मांग के दोनों तरफ मोतियों की तीन तीन लड़ियां आई हैं। इन तीनों लड़ियों के ऊपर कांगरी बनी हुई है जो मांग के साथ शोभा देती है। मांग के ऊपर पीछे की ओर पान के पत्ते जैसी बनावट है। उनके सिर पर बेंदे की भी मनोहारी शोभा है। उनके काले बालों की मोतियों से अति सुंदर चोटी गुथी हुई है। चोटी के तीन गोफनों में हीरा माणिक तथा नीलम के नग जड़े हुए हैं। श्यामा जी की गोरे रंग की पीठ बहुत ही सुंदर है जिसके ऊपर चोटी चोली तथा उसकी तनियों की शोभा आई है जो साड़ी के ऊपर से दिखाई देती है। श्यामा जी ने हल्के काले रंग के कंचुकी अर्थात ब्लाउज धारण किया है जो अनेक प्रकार के रंगों वाले नगों की चित्रकारी से जड़ी हुई है। नीले रंग का उनका पेटीकोट है जिसमें अनंत रंगों के नगों से जड़ी हुई अलौकिक चित्रकारी दृष्टिगोचर हो रही है। मेरी दृष्टि श्यामा जी के उस मनोहर गले के ऊपर पड़ रही है जिसमें कंठ सरी अति सुंदर हार जगमगा रहा है। इस हार के नीचे हीरा माणिक मोती लहसुनिया तथा नीलम के अति सुंदर पांच हार शोभायमान हो रहे हैं। इनके नीचे चीड़ के फल की आकृति वाले नगों का हार झलझला रहा है। इन सात हारों के सात भूमक हैं जो सात रंगों में अपनी अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। इस दिव्य शोभा को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को ही भूलती सी जा रही हूं। श्यामा जी के दोनों हाथों में
दो बाजूबंद सुभयमान हैं जिनमें फुमक लटक रहे हैं। उनकी अति कोमल कलाइयों में, नौ रंगों के रत्नों में नूर की जोड़ की शोभा है। इसकी ज्योति सर्वत्र ही दिखाई दे रही है। दोनों कलाइयों में पांच पांच नंगों से जड़ी हुई पहुंची तथा नौघरी भी मेरे हृदय में अपार आनंद का संचार कर रही है। श्यामा जी के दोनों हाथ बहुत ही कोमल और उज्जवल हैं। हथेली में दिखाई देने वाली रेखाएं तथा पंजे की अनुपम कांत मेरे हृदय में अखंड होती जा रही है। उनके हाथों के दोनों अंगूठों में सोने तथा हीरे की अंगूठी आई है। शेष आठ अंगुलियों में माणिक, मोती, लहसुनिया, पाच, पन्ना, पुखराज, गुमेद तथा नीलम के नगों की आठ मुद्रिकाएं हैं जिन्हें मैं निरंतर देख रही हूँ। श्यामा जी के एक एक नख में इतना तेज है कि उसके समक्ष करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निस्तेज हो जा रहा है। अब मैं श्यामा जी के चरणों की अति कोमल तलियों को देख रही हूँ। उन चरणों की एड़ियों तथा पंजों के बीच की गहराई वाला भाग अति सुंदर लाल रंग का है जिसमें अति सुंदर मनोहर रेखाएं आई हुई हैं। दोनों चरणों के टखने, घुटियां, काड़े, एड़ियां एवं तलवे बहुत ही झलझला रहे हैं। दोनों चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी तथा कड़ी की शोभा जगमगा रही है। श्यामा जी के दोनों चरण कमलों के अंगूठों में अनवट तथा अंगुलियों में बिछिया की शोभा आई है। इनमें पन्ना, माणिक तथा मोती के नंग जड़े हुए हैं। दोनों चरणों के अंगूठों तथा अंगुलियों में इतना तेज है कि उसकी झलकार से करोड़ों सूर्यों का तेज फीका पड़ जाता है। श्यामा जी की कोहनियों, कलाइयों, अंगुलियों, पेट, पसलियों, वक्षस्थल, दोनों कंधों, दोनों हाथों, चरण कमलों, गले तथा मुखारविंद के अनंत सौंदर्य को देखते हुए मैं अपने धाम हृदय में अखंड करती जा रही। सिंहासन के ऊपर विराजमान युगल स्वरूप के ऊपर कमल की आकृति वाली दो छत्रियां आई हैं जिनमें छत्री के चारों ओर जवाहरातों की झालर लटक रही है। अति कोमल पसम के दो तकिए
युगल स्वरूप के दाएं बाएं, एक बीच में तथा दो पीछे की ओर आए हुए हैं। पांचों तकियों तथा चाकले पर अति सुंदर चित्रकारी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सिंहासन में आई हुई कांगरी की भी अत्यंत मनमोहक शोभा है। सिंहासन के नीचे दो नूरमयी चौकियां रखी हुई हैं, जिन पर युगल स्वरूप अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अब मैं संपूर्ण चबूतरे की शोभा को निहार रही हूं। चबूतरे की चारों दिशाओं में चार दरवाजे आए हुए हैं। पूर्व दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए दोनों और पांच के दो थंब आए हैं। इनके अगल बगल नीलम के दो थंब आए हैं। पश्चिम दिशा में नीलम के दो थंब तथा अगल बगल पांच के दो थंब आए हैं। उत्तर में पुखराज के दो थंब तथा दाएं बाएं माणिक के दो थंब आए हैं। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में दरवाजे से लगकर माणिक के दो थंब और दाएं बाएं पुखराज के दो थंब जगमगा रहे हैं। इनके बीच में हीरा, लसुनिया, गुमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया के थंब जगमगा रहे हैं। इस प्रकार कुल 64 थंब आए हैं। चारों द्वारों को छोड़कर कुल 60 तकिए थंबों से लगकर आए हैं। सभी थंब पहलदार हैं। थंबों के ऊपर हरे रंग का चंदवा है, जिसमें तरह तरह की अलौकिक चित्रकारी है। चंदवा से संपूर्ण चबूतरे तक नूर की लहरें लटक रही हैं। थंबों के चारों ओर जवाहरातों की झालर आई है। सभी सुंदर साथ आपस में सट सट कर युगल स्वरूप के सम्मुख इस प्रकार बैठे हैं कि कहीं भी उंगली घुसाने तक की जगह नहीं है। इनके बीच मुझे अपनी परात्म भी दिखाई दे रही है। युगल स्वरूप सहित संपूर्ण चबूतरे की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाते हुए अब मैं वापस मुड़ रही हूं। गोल हवेली से बाहर मैं निकली। चार चौरस हवेलियों को पार कर 28 थंब के चौक से होती हुई मुख्य द्वार पर आई। वहां से सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक तक आई। वहां से यमुना जी की पाल पर से होते हुए केलपुल आई। केलपुल को पार कर बड़े वन, मधुवन, महावन, महानद, जवाहरातों के महल, वन की नहरों, छोटी रांग तथा बड़ी रांग की हवेलियों को पार करती हुई मैं बेहद मंडल में पहुंची। सत्स्वरूप केवल सबलिक अभ्याकृत से होती हुई मोह सागर से होती हुई पुनः अपने पृथ्वी लोक में मूलतन में आ गई। अब मेरा हृदय बार बार इन वाक्यों को दोहरा रहा है। मम प्राणेश, मम हृदय अगच्छ, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे धाम हृदय में आ जाइए। अहम भक्तिमान ज्ञानवान निर्विकारश्च भवामि। मैं भक्तिमान ज्ञानवान और निर्विकार हो जाऊं। अहम सत्यभाषी मृतभाषी च भवामि। मैं सत्यवादी
और मृदुभाषी हो जाऊं।